श्रीमती चांदराणी खुराना उच्च संस्कारां दे धारनी अते हमेशा ही धर्म दे रस्ते ते चलन वाली औरत सन। आप हमेशा ही हर दीन दुखिए अते गरीब दी सहायता करिया करते सन। अज उना दे सपुत्तर उना दे संस्कारां अनुसार चल रहे हन अते धर्म दे नाल जुड़े हुए हन, अपनी किरत कमाई कर रहे हन। श्रीमती चांदराणी हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम उना दे समूह परिवार वल्लों महाराजा पैलेस करतारपुर रोड पुरथ जिला कपूरथला विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं नूं बयान कीता गया। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां तों इलावा समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगूआं ने शिरकत कीती अते श्रीमती चांदराणी खुराना जी दे कीते कम्मां नूं याद करके उहनां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। पारे दर ते भुलाना मुश्किल वे जो जो करनी कर गई माता उस करनी नू भुलाना मुश्किल है। वेद प्रकाश जी जो मां करके गई है दसो अज तुसी मां भी करनी नू भुला सकते हो? कदाचित नहीं। जिस वक्त मां की मौत हो गई रिश्तेदार चाहते सारा समाज इकट्ठा होके तुहाडे घर के आंगन के विच आके बैठ गए, लोगों ने दुख प्रकट करना शुरू कर दिता, कह दिता वेद प्रकाश जी बहुत माड़ा हो गया, जगदीश जी यशपाल जी मां चली गई, बलबीर जी नरेश जी, लोगों ने दुख प्रकट किया कि अज बच्चियां दे सिर तो मां का साथ जिहड़ा वो चला गया। अच्छा देखो मां अज नाल की लै गई है तुसी दस दे। धान्यम धान्यम सजनों धन ते बंद पेटियां दे विच पिया रह जांदा, रिश्तेदार कहिंदे नाल चल पैंदे ने, लेकिन मां नाल की लैके गई है? मां नाल लैके गई है धर्म असह, धर्म की कीती हुई नेक कमाई। और नेक कमाई केड़ी है? जेड़ा आज देखो सारा समाज बैठा है मां नू एक सच्ची श्रद्धांजलि देन वास्ते। वेद प्रकाश जी जिस वक्त लोकां ने कहा बहुत माड़ा हो गया, अच्छा एक पासों कहनी है बहुत माड़ा हो गया, देखो ठीक है बंदे नू इन्नी देर तक घर दे विच तुसी रख लो चंद घड़िए रखोगे, लेकिन एक पासों क्या बहुत माड़ा हो गया, दूजे पासों वेद प्रकाश जी नाल ही लोगों ने कह दिता वो वेद प्रकाश जी किन्ने बजे लैके जाना मां नू, यह हुण घर दे विच रखन वाली वस्तु नहीं। उस वक्त मन दे विच दुख प्रकट उसको आप दूध पान करते हैं वो सात जन तक आप उसका कर्जदार आते हो, कर्ज आप वो नहीं कर सकते हैं। तो मां का सेवा नहीं करने से पुत्र का भला होता है और मां जैसे संसार में कोई वस्तु नहीं जिसका नाम मां। मां ऐसे दयालु होती है कि अगर पुत्र के सिर में दर्द भी होता है तो पूछती है बेटा क्या हुआ मां मेरे सिर में दर्द, तभी बेटा दवाई वो तुरंत ही जाकर के डॉक्टर आदि को बुलाती है और पूछ भी कहती कि मेरा पुत्र तो मां जैसे संसार में भगवान राम मां के कहने पर ही वनवास गए। स्वामी जी कहते हैं मात पिता गुरु का
कि आज्ञा का पालन करने वाला जो पुत्र है सदा भगवान का प्रेम में होता है। भगवान कहते हैं जो अपने माता पिता का सेवा करता है वो मेरी सेवा है, और जिसने अपने माता पिता का आज्ञा का टुकड़ा दिया क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मेरे पंजाब के सभ्याचार दी जो कैणी बैणी रैणी सहन की तस्वीर सन मासी चंद्राणी ने फलाणा परिवार के अते सारे नगर की मदर फिकर जिवें बाबा जी दस रहे सन पंजाबी के महान कवि प्रोफेसर मोहन सिंह दी लैणा मैं याद आ रही हैं। वो लिखते हैं मां वर्गा कणछावां बूटा कणछावां दी बहुत ठंडी छां अदरे संसार ते दो ही छावां एक रुख ते दूजियां मां मां वर्गा कणछावां बूटा मैनू नजर ना आवे जिस तो छावदारी लैके रब ने फल बनाए होर कुल दुनिया के बूटे जब सुकिया पर जावन पारे फुला दे मरदाया सुख जावे है। इस समय ते इस मां दी जिन्हां नूं असीं बड़े प्यार दे नाल साडी अपनी माता दे नाल इन्हां दा बड़ा नेड़े दा संबंध सी और साडे मूंह ते सी मासी चंद्राणी मासी चंद्राणी इन्हां दी कहणी बैणी रहणी सहणी चंगे गुण गुणां दी इस संसार विच कदर है। सब गुण तेरे क्योंकि गुण दैवी हन करतारी हन दवाई क्वालिटीज हन सब गुण तेरे मैं ना ही कोई बिलकुल कीते पटना इस तरह आप सारे ने पता है कि आज आप अपने बहुत बहुत कार्योग माता चंद्राणी जी खुराना जो आज अपने निस्कार नहीं हैं पिछले दिन परिवार को सदीवी विछोड़ा दे के जेहा की लिखिया जेहा हुक्म कमाहे कले आवे नानका सत्ते उठे जहाजे महावाद मुताबक गुरु चरणा दे विचार राजे सन उन्हां दी आत्मा दी शांति लई असे दुखी परिवार दुख मिटाने अज आप कठे हुए हैं। हाल का यह इकट्ठ अपने आप में ही एक सबूत है कि उन्होंने इस दीवी विछोड़े नाल जो घाटा इस परिवार को इस शहर को इस समाज को पिया है वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, पर हुक्म परमात्मा का है इसको आपां नूं मिठा करके ही मनाना पैना है। जो आपने दस्सिया है कि 44 साल हो गए पिता जी का देहांत जो होया सी पुराना साल से 44 साल तो मां ने पुत्रा नूं प्यो का भी प्यार दिता मां का भी प्यार दिता बच्चिया नूं इन्नी अच्छी सिखलाई दिती कि वह अज उचिया उचिया बुलंदियां ते पहुंचे हुए हैं। वीर प्रकाश जी पुराना भरा के प्रधान रहे हैं, यशपाल जी पुराना बाजार के चंगी अच्छी इज्जत रखते हैं, जगदीश लाल जी खुराना बाजार में अच्छी इज्जत है, बलवीर खुराना जी नरेश खुराना जी जलंधर में दुकाना कर रहे हैं, जलंधर के उसे भी नाम खटिया है। यह सारी शिक्षा किसकी है? कोई बच्चा इन्हें धन तौर पर लैके नहीं जाता, सब कुछ मां प्यो ही देता है सानू परिवार समाज और समाज के जात बरादरी जी सानू मिलती है सब मां प्यो के कोल जिहड़े घर पैदा हो गए वो बन गए मां वर्गी कोई चीज नहीं। सब ने दस्या है पंडित जी ने भी दस्या है कि मां के दुख के धार का एक मुल आप सारी जिंदगी नहीं पार सकते। बाबा जी महाराज ने दस्या है कि सत जन्म भी आप लीए तो मां का कर्जा नहीं पार सकते, बिल्कुल सच्चाई है। मैं एक गल तुम कह कि माता एक देवी प्रत्यक्ष देवी जिस देवी ने अद्धी सदी के लगभग अपने सरकार पति की गारे पालना पोषणा की और खिड़े मत्थे पति के दुख के बजोज रो के नहीं की खिड़े मत्थे पालना पोषणा की। और मैं कल मेरे जानकारी कहने हैं कि परिवार संत मंगलापुरी जी की कोच में जुड़िया हुआ जेड़े परिवार संत महापुरुषों की जो कोच में जुड़ जाते हैं उन्होंने आम आदमी हौसला वक्रा होता उन्होंने सोच आम मनुखना बहुत वक्री होती है। सरकार जो कैंटी ने महापुरुषों को सिक्ख्या दीक्षा लैके अपने परिवार की पालना पोषा की
और बेटी जो तुम किसी तो बचाने लगे मैं तो साढ़े तक बेटा आया तो मैं मेरी पत्नी सौ बधाई दे रहा है सेवा की है इस धरती नूं भी माई कहते हैं क्योंकि धरती सोना उगले उगले हीरे मोती और उसे तरीके के नाल मां जी है बच्चे को जन्म देती है जदों गर्भ विच हुंदा है किन्ना कष्ट पाती है उस वेले और उसके बाद जदों तक वो अपने बचपन गृहस्थ आश्रम अखीर तक जिंदगी दे वो चाहे किन्ना भी माड़ा तो माड़ा होगा पर मां के मुंह तो यह है कि नहीं मेरा बेटा बहुत चाहिए पर आज की हो रहा है अज असि रोज देखते हैं मेरे घर के कोल भी मंगल है सवेरे सवेरे बीटियां जाती है या कई बार बुजुर्ग बैठे होते हैं तो वो की गल्ला करते हैं वो कोई राजनीति गल नहीं करते वो यही गल करते हैं अपने दुख सुख मंगते हैं अगर किसी परिवार से सात अठ बच्चे ने पहले जमाने में हो रही थी और एक मां उन्हें सब बच्चों को पालती थी रोटी भी बनानी स्वेटर भी बुनने उस वेले तो स्वेटर भी नहीं मिलते थे उसका बना बनाया कपड़ा मिल जाता है तो सारा कुछ करती थी पर जदों उन्हां दी बीमार हुई मां सात बच्चे एक दूजे को कह लगे कि तू देख तू अपने को ले जा तू अपने को ले जा दसो कि अगर बच्चे जिसने भी दिन रात उस मां ने किया है ये महाकाव्या दे विच पुराणा दे विच मां दी बहुत वड्डी परिभाषा दिती है मेरे पिता जी सरदार सुजिंदर सिंह अज तो ठीक कोई 45 साल पहला जो उन्होंने अपनी पुलिस की जॉब छी एस डी एस पी थोड़े दिन रह गए थे उन्होंने अगर वो पेंशनेबल जॉब लेंगे तो रिटायरमेंट में थोड़ा समा सी लेकिन उन्होंने उस वेले इस्तीफा दे के इतने आकर राजनीति में खुल गए और थोड़े ही समय बाद उन्होंने जरा शरीर संपर्क वो वेद प्रकाश जी पुराना में काम करता वेद प्रकाश जी के पिता जी तुम सारे जानते हो कि वह इन्होंने बच्चों की थोड़ी उम्र स्वर्गवास हो गए और मैं समझता कि अब जो कुछ भी पुराना परिवार है जो कुछ तुम देखते हो चाहे वह कपड़े का व्यापार है चाहे वह मैरिज पैलेस है चाहे आड़स ने चाहे जलंधर दिन दुकाना ने मैं समझता कि पिछले केवल से केवल इन्होंने पेरेंट्स का प्रताप है और एक तो एक कदम अगे जाके कहे इस पिछे माता जी का प्रताप वो बहुत धड़लेदार से मैं उन्होंने मिलता रहा वहां अक्सर मेरे पिता जी मेरे माता जी असी गाए गाए उन्होंने आ जाना या असी इन्होंने को आ जाना काफी अरसे तो साडा प्रेम प्यार मैं सोचता सी 47 तो बाद तकरीबन एमरजेंसी के नेड़े जिहड़े वेद प्रकाश जी साडा तुलक बन गया सी ये गल भी हुण तकरीबन 38 साल पुरानी है 38 साल किसी नाल मित्रता ही कोई निभावे ये अपने आप दे विच बहुत वड्डा गुण है और मैं समझता कि जो इन्होंने मां प्यो के संस्कार से जी सब जो तरक्की की इन्होंने क्योंकि इन्नी थोड़ी उम्र के अपने पिता का साया उठ जाना एक बार तो बिल्कुल ही भूचाल वर्गी सिचुएशन हो जाती घर के लेकिन वेद प्रकाश जी ने दूसरे सारे संस्कार लोग भावों ने इन्होंने फिर अपनी मां को ही अपना प्यो समझा और मैं चंकी तरह याद है कि कोई फंक्शन कोई घर का प्रोग्राम कोई घर के बड़ा फैसला जिनी देर में साढ़े सरकार जो माता जी उस परवानगी नहीं सी दिंदे उन्नी देर में किसी गल को अंजाम नहीं सी दिता जाता और यह गल अखीर तक रही है हम बेटी हमने हस के दस रहे थे खुश होकर दस रहे थे कि बहुत शौकीन तरीके उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की जिते वो डिसिप्लिन मेनटेन किया उन्होंने उन्होंने अगर कोई बोल नहीं सी सकता क्योंकि उन्होंने रोल दोहरा मां प्यो वाला रोल से और उसे उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी
सोहने ढंग ने बतीत की मैं सारे का पुराना परिवार वालों बहुत बहुत शुक्रगुजार है तुम जो अपना समा कट के इन्होंने ग्रुप में आ के शामिल हुए हो तुम इन्ह पिछले कई दिनों तो इन्होंने घर में जाके इन्होंने हमदर्द बन रहे हो संस्कार वाले दिन को लेकर अज तक हो वाले अज तक बहुत समा नई सरकार जो बीबिया भैन और सारे इलाके जिन्हें सरकार जो सज्जन में देख रहा थोड़े कले कले का मैं शुक्रिया अदा करता वा और यही बेनती करूंगा कि उपरांत हूं इस बाद इन्होंने गुरु का लंगर तैयार किया और सारे ने अपना निशा के जाना और मैं मेरी कामना अपने सारे की कामना से अरदास है कि गुरु साहब विछी हुई आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शन और पिछले परिवार को इसे तरह चढ़ती कला बख्शन तरक्या करते रहें और इसे लोगों के विचरते रहें इसे लोगों की सेवा करते रहें बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू।